वे संवाद के विश्व बाणु नाव 14 शनिवार तारीख 1966 नदी ने पूज्य श्री गांधी स्वामी नु दलतराम दीकरा छोटाला में चौथी डाला श्लोक नव पर स्वर्ण पुरी में प्रवचन शरण प्रवचन नंबर 30 नमो नोए सौरियंताणं नमो नोए सौदानं नमो नुरे सौ आयरिया नमो नुरे सौ जयनम नमो नुरे सौ त्रिकालवर्ती सावनम ओंकार मेन्दु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामदम औषधम से ओंकाराय नमो नम मंगलम भगवान मंगलम रूपमूर्ति मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगल नमस्म उसमें चौथी धारा चलती है उसका नौवां श्लोक श्लोक चला है थोड़ा भावार्थ बाकी है जो श्लोक थोड़ा फ्री में पुण्य पाप फल माही हर्ख विलखो मत भाई यह कुदगढ़ कर जाय उपजीवन से फिर खाई लाख बात की बात यही नीचे उड़ा लाओ तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म जाओ। क्या कहते हैं जो चिल्ला बे शब्द है ना अपने यहाँ पूर्ण पाप का बंदी पुद्गल की अवस्था है। क्या कहते हैं आत्मा है आत्मा इस शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य मूर्ति उसकी दृष्टि यानी उसमें स्थिर होने से तो बंद कभी होता नहीं। आत्मा ज्ञानानंद पवित्र स्वरूप उसकी अंतर में श्रद्धा और उसका ज्ञान और उसमें लीनता होने से तो नया कर्म का बंद होता नहीं पुराना जड़ जाते हैं। बनिया कहते हैं कि पूर्व में अपना स्वरूप के भान बिना जो शुभ ने अशुभ भाव किया था उन्होंने पाप का भाव पूर्व चौपड़ी दिया चौपड़ी उसको है ना चढ़ावा पानी एक सौ सात हमारे हिंदी में है 107 जो क्या कहते हैं पुण्य पाप का बंद या पुद्गल की पर्याय है और ठीक हो क्या ये तो पाप थे हम जाएंगे आई की बात है आई की ना श्लोक नहीं काम से पंचायत आई ना क्या नहीं बाबा पंचायत है क्या कि पुण्य पाप का बंदी पुद्गल की अवस्था है कर्तन जी क्या कहते हैं कि अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभाव है उसकी जो धर्म दृष्टि हुई और अपना ज्ञान ने लीनता चारित्र का हुआ हो तो उसे तो नया बंद होता नहीं। समझ में आया संयग दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तो ये तो छूटने का रास्ता है। क्या कि आत्मा शुद्ध चैतन्य राग द्वेष पुण्य पाप से रही शरीर देह की क्रिया से रही
ऐसा अपना आत्मा एक सेकंड के असंग भाग में पूर्ण शुद्ध आनंद ऐसी अंतर्मुख की संजक दृष्टि करना, वो तो बंध का कारण नहीं, वो तो मोक्ष का कारण है। डॉक्टर समझ में आया? और अपना आया जरी जो समझने की सूक्ष्म बात थोड़ी लेते हैं। पाप में कैसा लिया ने, पूर्ण पाप फल माही हर्ष विल खो मत भाई, श्लोक है ना डॉक्टर, यह पुद्गल पर जाए उपजी नीचे फिर खाई, लाख बात की बात यही नीचे उर आनो लाओ, पूरी सकल जल फंग फंग मित आत्म जाओ। बड़ा श्लोक है, सार देखो उतारते हैं पीछे, तो पीछे चलते हैं क्रिया पाठ में, बात सुनो। पूर्ण पाप का बंदी पुद्गल की अवस्था है, क्या किया? पूर्व की आत्माएं शुभ ने अशुभ भाव किया हो, दया दान व्रत भक्ति पूजा यात्रा तो शुभ भाव है, और हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना काम क्रोध ये पाप भाव है। तो दूर भाव से नया बंध पड़ता है, शुभ भाव से पुण्य बंधन होता है, अशुभ भाव से पाप बंधन होता है। एक बात समझ में आया, धर्म तीसरी चीज है, वो पुण्य ने पाप का भाव से भिन्न अपना ज्ञानान शुभ चैतन्य स्वरूप, उसकी अंतर में राग की एकता बिना स्वभाव की अंतर एकता करके संजग दर्शन प्रकट करना, वो मुक्ति का मार्ग है। और अपना शुद्ध चैतन स्वभाव उसमें ज्ञान करके एकाकार होना, कोई मुक्ति का मार्ग है। और पीछे स्वरूप में लीन होना, आनंद स्वरूप चिदानंद का अनुभव हुआ हो ऐसी संयक दृष्टि पीछे स्वरूप में लीन करना, रमना जमना, उसका नाम भगवान चारित्र कहते हैं। तो वो संयक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो तीनों तो मोक्ष का मार्ग है, पर वो मार्ग प्रकट किए चले अनादि काल से 84 का अवतार में परिभ्रमण करते करते उसने पुण्य ने पाप अनंत बैर किया, और उससे पुण्य पाप का बंध भी रजकण में पुद्गल में जड़ में बंद हो गया। हमे कहते हैं कि जड़ बंद जो हुआ पुण्य पाप का भाव से, उसकी जो संयोग मिलता है कि बंद ये पुद्गल की अवस्था है, क्या वो पुण्य पाप जैसा शुभ भाव अशुभ भाव किया था उसका बंद पड़ा कर्म का, वो तो पुद्गल की अवस्था है। समझ में आया? बराबर है, क्या किया? इसको आत्मा का कल्याण करना हो तो आप उसका ज्ञान तो करना हो तो किया ने पहले, पहले किया था उसमें दुख उसमें आया था सातवें श्लोक में, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, सातवां श्लोक है। धन समाज गज बाज राज तो काजन आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अटल रहावे, सात ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भवता को उर आनो है, क्रोध उपाय करके भी स्वपर का विवेक करना हो तेरा पहला कर्तव्य है। समझ में आया? भेद ज्ञान पुण्य पाप का विकल्प जो उठते हैं विकार है, आत्मा उससे भिन्न है, ऐसा स्वपर का विवेक करना, वही कोटि उपाय करके भी वो पहला करो।
ये भेद ज्ञान के बिना कभी कल्याण में मुक्ति का मार्ग तेरी टूट पड़ते नहीं। मुस्लिम जी तो कहते हैं कि सम्यक ज्ञान कोटि उपाय बना स्वपर भेद पुण्य पाप का भाव समझना पड़ेगा कि नहीं उसको, कि सुबह शुभ भाव उठते हैं कि विकार बंद का कारण है, उससे रहित मेरी चीज शुद्ध चिदानंद स्वरूप उसका सन्मुख होकर स्वभाव की दृष्टि करना और अंतर स्वभाव का ज्ञान करके स्वभाव में लीन होना, वही एक मुक्ति का मार्ग ने छुटकारा का रास्ता है, दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग है नहीं। तो कहते हैं जब पूर्व का पुण्य भाव पाप भाव किया था उसमें पुद्गल की पर्याय बंद थी, कर्म का बंद हुआ कि पुद्गल की अवस्था है, उसमें आत्मा की कोई अवस्था प्राप्त होती नहीं। समझ में आया? शुभ ने अशुभ भाव होता है, तीन भाव होता है शुद्ध शुभ ने अशुभ, तो शुभ ने अशुभ भाव है उससे तो पुद्गल कर्म की जड़ की अवस्था कर्म की बनती है, शुद्ध भाव है वो तो अपना आत्मा सन्मुख की श्रद्धा ज्ञान शांति करना, उसका नाम शुद्ध भाव है। कि शुद्ध भाव से बंध नहीं होता, शुद्ध भाव से निद्रा ने संबर होता है। समझ में आया? तो जब लग संबर निद्रा आदि न हुआ पूर्व अनंत काल में, तो कहते हैं कि पूर्व पुण्य पाप का भाव से बंध रजकण का हुआ वो पुद्गल की जड़ की अवस्था कर्म की माटी की अवस्था है, उनके उदय में वो बंद पड़ा था, उसका पाक काल में उदय में पाक काल में संयोग प्राप्त हो, उससे तो संयोग मिलता है वो बराबर है, आत्मा नहीं मिलता उसमें पुण्य पाप का भाव से बंद पड़ते हैं, ये जड़ की अवस्था जड़ का पाप से संयोग मिले, पुण्य का उदय हो तो पैसा लक्ष्मी आबरू कीर्ति का संयोग मिले, पाप का उदय हो निर्धनता सरोगता ऐसा प्रतिकूलता ऐसा संयोग मिले। तो कहते हैं उनके उदय में पूर्व का कर्म बंद पड़ा है उसके पाक काल में उदय में संयोग प्राप्त हो, ये भी क्षणिक संयोग रूप से आते जाते हैं, बराबर है, चलती फिरती छाया, पूर्व का पुण्य पाप का बंध से संयोग मिलो संयोग योग हो जाओ, ऐसे अनंत बैर आते जाते हैं, क्षण भंगुर वस्तु है, उसमें कोई आत्मा का लाभ है नहीं। दूसरी बात कि पुण्य पाप का बंधन से संयोग प्राप्त हो ये अपना आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थ से प्राप्त न हो, क्या किया गुरु का पुण्य पाप का बंध पड़ा है उससे जो लक्ष्मी मिले निर्धनता मिले सधनता मिले ये सब वर्तमान प्रयत्न से नहीं, कि पूर्व का पुण्य पाप का बंध पड़ा है उससे संयोग की प्राप्ति होती है। समझ में नहीं आया कार्तिक जी? हम क्या विचार था, आप पैसा मिलते हैं निर्धनता मिलते हैं स्वतंत्रता मिले निरोग मिले सरो पहुंचता है वो वर्तमान प्रयत्न का फल नहीं, कि हम बराबर राग करे तो व्यवस्था रख सके शरीर की निरोगता, बराबर न ध्यान रखे तो स्वरूप हो जाए ऐसी बात है नहीं, ये तो पूर्व का पुण्य पाप का भाव से जैसा बंद पड़ा है ऐसा उसका उदय है ऐसा संयोग हो जाता है, अपना प्रयत्न के बिना पूर्व का पुण्य के पाप के कारण ऐसी संयोग दशा आ जाती है। जी क्या पैसा पैसा चांदी में कमाना ही के वर्तमान पुरुषार्थ का फल हम कहते हैं,
कहीं दुखों की तो संयोग प्राप्त होता है, पूर्व का बंद पड़ा है उससे संयोग प्राप्त होता है। वर्तमान तेरा शुभ राग के शुभ राग उससे कोई वर्तमान सामग्री मिलती नहीं। रुपचंद जी क्या करना खबर न मरे, क्या चीज खबर न मरे, तेरे सुनने ज्ञान की खबर न मरे, उसका हित करना कहां से हित होगा। समझ में आया? कहते हैं कि पुद्गल बंद पड़ा है उसने मैं संयोग प्राप्त होता है। बस सधनता निर्धनता सरोगता निरोगता अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब पूर्व का पुण्य पाप का बंद पड़ा है उसका फल में आता है। बराबर है? नौकरी में व्यवस्था करते पैसा मिलता है ऐसे नियम कहते हैं, 200 का पगार 300 का पगार मिलते हैं कि वर्तमान नौकरी का भाव करते हैं तो भाव किया तो मिलते हैं, ऐसा नहीं। ये पूर्व का पुण्य के कारण से मिलते हैं, सरकार क्या दे। समझ में आया? घेर जावे से तो पुण्य तो विकल्प है, जवानी क्रिया जड़नी से आत्मा क्या कर जड़नी क्रिया। सूक्ष्म बात तत्व की खबर नहीं, न सात तत्व जैसा है किया ने स्वपर का भेद कोटि उपाय करके पहले करो। जब लग स्वपर का भेद न होगा तब लग तेरा ज्ञान का वासन्य जागी नहीं, नहीं जागे बिना तेरे धर्म कभी होता नहीं। समझ में आया? कहते हैं कि थोड़ी बात में तो बहुत समा दिया ने, उसमें देखो पाठ में ऐसा है कि नहीं। पुण्य पाप फल माही इतना क्या शब्द, उसका अर्थ क्या हुआ कि पूर्व का पुण्य पाप जो बंदा है उसका फल है, कौन असंयोग ने वियोग होता है वो हरखो विलखो मत भाई। अब कहते हैं कि पूर्व का पुण्य के कारण मिली हुई चीज इसमें हरख नहीं करना। समझ में आया? वो चीज से कोई आत्मा को लाभ होता है ऐसा है नहीं। पुण्य के कारण मिली चीज लक्ष्मी कुटुम परिवार हाथी समाज बोल दिया कि नहीं, उससे कोई आत्मा का काम नहीं होता, ये कोई आत्मा का लाभ नहीं है। डॉक्टर कुटुम कबीला बहुत मिले 5-50 लाख की पूंजी मिले तो उसमें आत्मा के क्या, वो तो पहले कहा नहीं, उसमें कहा था ना क्या, धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ये तेरे काम जरिए ना आवे। क्या राज तो काज न आवे, धूल में आवे नहीं जरिए तेरे। मुझे नहीं है उसमें लिखाया जा तो ठाड़ा बन जाती है, दौलत राम जी कृत ठाड़ा है। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये थी फिर अचल रहा है। भगवान आत्मा ज्ञानानंद चैतन्य स्वरूप में ध्रुव नित्यानंद हो, ऐसा अंतर्मुख का ज्ञान आत्मा का हुआ तो वो ज्ञान अचल रहेगा, क्योंकि वो चीज अपनी है। पूर्व का पुण्य पाप से मिली चीज अपने को कुछ काम का आती, कुछ काम आती नहीं। सुचिन जी कुछ काम नहीं आती, खाना पीने लड्डू मिलना पैसा भी जाओ तो काम मिलते है कि नहीं, पैसा ये आत्मा को तो काम नहीं आती। हम कहते हैं कि तो देहादी की क्रिया में भले निमित्त हो। समझ में आया? कि पूर्व का पुण्य का फल राज बाज काज घोड़ा हाथी स्त्री कुटुम आत्मा को बिल्कुल काम नहीं आती। आत्मा पर पदार्थ है, वो सब पर पदार्थ, तो पर पदार्थ अपने को काम में आ रहे ऐसी चीज है नहीं। हिम्मत नहीं क्यों ऐसी? अरे अरे भारी भ्रमणा पड़ेंगे। पर चीज जरिए किंचित आत्मा को हितने में काम आ रहे बिल्कुल नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि पूर्व का पुण्य का फल ने पाप का फल संयोग मिला, उस संयोग आत्मा को किस कुछ काम का है नहीं। यदि मैं
માણસ મને પડતો નથી, મારો ઘરનો નીકળ્યો એવો છે નહી. આજે સવાર માં કંટ્રોલ લઈને ગાતા છે કે ટીઝરી કહ્યું છે. ઊંઘ ના આવે છે, ઘર નીકળ્યા છે, ઊંઘ ને ક્યાં આયા, આત્મા દુઃખ ક્યાં હોવા, સંયોગ હે, સંયોગ કી ચીજ હે. અહીં તો કહેતા ગ્રંથકાર આચાર્યો કા કથન સત પરંપરા જો આયા હૈ, કોઈ દોલત રામજી છ ધારા મેં કહેતે હૈ, તેરે પુણ્ય કા પુણ્ય કે કારણ સંયોગ મિલા, વો ક્યા તેરે કામ કા હૈ, વો તો ક્ષણભંગુર ચીજ હૈ, કોર ચીજ હૈ, તેરા આત્મા માટે બિલકુલ હિત મેં કામ કી નહીં. અને એક પાપ માં સંયોગ મિલાઈ, હવે પાપ નો જજ નહી, એક તંદુરસ્તી જોવે છે, કે બીજું પૈસા જોતા નથી. ત્યારે પ્રાણભાઈ કહ્યું, મેરા તંદુરસ્તી ઉપરાજી તો મળે તો ઉપરાજા વિના મિલે, પૂર્વે અસાતા દાના બંધા હે. આ ક્યાં કહેતા હૈ, પૂર્વે અસાતા કા બંધ પડા હૈ, પાપ ભાવ છે તો અસાતા મિલેગી, શરીર મેં રોગ આયેગા, ક્યાં તંદુરસ્તી આવી ગઈ. તંદુરસ્તી કા પુણ્ય કિયા નહીં, અને તંદુરસ્તી કી ઈચ્છા કરના મૂંઢ હૈ. અરે પુણ્ય હો ને તંદુરસ્તી હો તો ભી આત્મા કો ક્યા લાભ હૈ, એમ કહેતે યહાં તો. તંદુરસ્તી કા ક્યા લાભ હૈ આત્મા કો, સમજ મેં આયા. સપ્તિમ સપ્તમ નરક મેં નારકી મહાપાપ કરકે જાતે હૈ, બહુત પ્રતિકૂળતા હૈ, તો ભી ઉસમે આત્મજ્ઞાન પા લેતે હૈ કોઈ પ્રાણી અંતર મેં. ઓહો આ ક્યા આઈ, આ સંયોગ ક્યા પ્રતિકૂળતા, મેં ચીજ ક્યા હું. મેરે મુનિ કો સંતો જ્ઞાનીઓ પૂર્વે કહા થા, પણ મેં મેરી સાવધાની સે મેરા કામ ન લિયા, એસા વિચાર કરકે સપ્તમી નરક મેં સંન્યાસ દર્શન પા લેતા હૈ. મુલજી કહા, સાતમી નરક મેં આત્મા જ્ઞાન આનંદ ચૈતન હું, અશુભ અશુભ ભાવ હૈ, દુઃખદાયક હૈ, સંયોગી પર હૈ, દુઃખદાયક નહીં, સંયોગ પર મેરે દુઃખદાયક નહીં. સાતમી નરક માં સંયોગ હો, સપ્તમી નરક કા સંયોગ સંકીતી એસે જાનતે હૈ, એ સંયોગ મેરે દુઃખદાયક નહીં. અહીં તો તમારો ચાંગો હાલતો નથી, થોડો એમ બીજું કઈ છે નહીં, દેખવામાં કઈ લાગવા ઉડાડી જતો છે રાત ના કાર્ય. લાડવા છોડી દીધા છે ક્યાં, કે મને શરીર સારું નથી તો લાડવો નહીં ખાઉ, પરાગ હું બીજું કહું છું એમ ક્યાં મેં કહ્યું, કે આ શરીર બરાબર ચાલતો નહીં તો ચૂરમાં મને ચૂરમાં છોડી દેતા છે, ના ના મારું શરીર હું પરાધીન છું, મારે છોડવું નથી કહું એમ થોડું છે. મેં તો પરાધીન હું ભૈયા, પણ ભાઈ ઘર મેં તમારે ચૂરમાં ચૂરમાં કહેતા ને હું લડ્ડુ બનના છે ઘી અથવા નાખીને બરામ લખપત કર જતા, અને અડદની દાવ અને પતરે વેલા ના ભજીયા અવળી ના ભજીયા હોતા હે ને. મેરે શરીર કો ઠીક નહીં હૈ તો મેં વો ચીજ છોડ દેતા હું, મેરે ખાના નહીં હૈ એમ કરતો. અહીં કહેતે હૈ કે સંયોગી ચીજ હૈ, પૂર્વ કા પાપ કે કારણ સરોગતા નિર્ધનતા દારિદ્રતા, વો તો સંયોગ એક ક્ષણ ભંગુર હૈ, વો આત્મા મેં દુઃખદાયક હૈ નહીં, દુઃખદાયક હૈ નહીં. અજ્ઞાની મુંડ માં એસી માન્યતા કરતે હૈ કે પ્રતિકૂળ મેરે દુઃખદાયક હૈ, ક્યાં પરદ્રવ્ય દુઃખદાયક હૈ, સમજ મેં આયા, ક્યાં પરવસ્તુ આત્મા કો દુઃખ દેતી હૈ, ચિંતકાલ મેં નહીં. આત્મા અપને કો ભૂલ કર વિકાર કરતે હૈ, વો દુઃખ કા કારણ હોતા હૈ, પર કી દુઃખ કા કારણ હૈ નહીં, સમજ મેં આયા, પર કી દુઃખ કા કારણ હૈ નહીં, એમ પરથી સુખ કા કારણ કલ્પના કા સુખ કા કારણ ભી નહીં. કલ્પના અજ્ઞાની કરતે કે મેરે ચીજ અનુકૂળ હૈ, કુટુંબ અનુકૂળ હૈ, પૈસા અનુકૂળ હૈ, એસા હૈ, એથી માન્યતા કરકે મુંડ
कल्पना उठाकर सुखी हूँ ऐसे मानते हैं, पर ची सुख का कारण है ही नहीं। उनका लाख करोड़ संयोग मिले सुख का कारण है नहीं, पाप से करोड़ प्रतिकूलता मिले ये दुख का कारण है नहीं। ऐसा न मानते अनज्ञानी मुंडे से मानते हैं प्रतिकूलता मेरे दुख का कारण है, अनुकूलता सुख का कारण, मिथ्या का बड़ा पाप करते हैं। समझ में आया? हाँ, मिथ्या दृष्टि का बड़ा पाप है वो। श्रद्धा विपरीत है, श्रद्धा का भान है नहीं, उससे जो पूर्व का पाप आया उसमें प्रतिकूलता उससे हुई, मेरे दुख ऐसा मानने वाला उसे अनंत गुण नया पाप मानते हैं। नकार के हूँ पोते, नकार के हूँ, दुख मारे कारण है क्या नहीं, आने कारण है, उसके कारण है, ऐसे मानता करके मिथ्या दृष्टि असत बुद्धि नया अनंत पाप का बंधन करते हैं। वर्तमान प्रतिकूलता है उससे अनंत गुणी प्रतिकूलता आएगा, क्या उसका जन्म होगा? समझ में आया? ध्यान नहीं कि क्या है तो कहते हैं उदय में आई संयोग प्राप्त हो पूर्व का पुण्य, थोड़ा में बहुत भर दिया है उसने। हाँ तो सादी हिंदी भाषा है चढ़ाड़ा मुख है, उसका ही अर्थ नहीं समझे, अर्थ नहीं समझे आके जाए बोले जाए हमने हम क्या कि उदय में आई संयोग प्राप्त हो, वे भी क्षणिक संयोग रूप से आते जाते हैं कि पूर्व का पुण्य के कारण ही आते जाते हैं संयोग रूप से, अपने को कोई सुख दुख का काम चीज है नहीं। बराबर है? जितने काल तक भी निकट रहे, देखो आत्मा का समीप में पूर्व पुण्य पाप का बंध पड़ा था, उसकी समीप में सामग्री जितने काल रहे अनुकूल प्रतिको, वे भी सुख दुख देने में समर्थ नहीं। समझ में आया? पूर्व का पुण्य पाप का बंध की वर्तमान मिली सामग्री वर्तमान क्षणिक के अमुक काल रहे, वो सामग्री आत्मा को सुख दुख देने में तीन काल में समर्थ है। बराबर है रूपचंद जी? है कोई दुख दी तो नहीं, कर्म को नहीं के दुख दिया, वो मूंद मानते हैं कि मेरे दुख हुआ है तो अज्ञान से मानते हैं, उसकी मानता का दुख है, कर्म के कारण नहीं, सामग्री के कारण नहीं। तत्व नहीं खबर न मिले, अरे हमारे कर्म करना कैसे करना, स्वास्थ्य तत्व क्या है, वो तो अजीव तत्व संयोग में अजीव आया तो अजीव तत्व दुखदायक है, और पुण्य पाप का बंद पड़ा अंदर में वो तो जड़ है, तो आत्मा का लाभ है, और जो सुभा सुभाव हुआ वो आश्रय है। समझ में आया? क्या आत्मा को लाभदायक है तो सुभा शुभ परिणाम से लाभ मानना, वो भी मिथ्या अज्ञान सोपर का विवेक का अभाव, बंद पड़ा पुण्य पाप का उसमें पुण्य ठीक पड़ा पापी अठीक है ऐसी मान्यता भी अज्ञान ने सोपर का विवेक विज्ञानी चीज है, और उससे संयोग मिला बार उसको सुख दुख का कारण मानना, वो भी मिथ्या दृष्टि भेद ज्ञान के अभाव से मानते हैं। भेद ज्ञान जो हो गए तो पर चीज है, मैं उससे भिन्न हूँ, भिन्न चीज को भिन्न चीज सुख दुख उत्पन्न करा दे तीन काल में ताकत है, खबर नहीं खबर न मुझे। समझ में आया? भाई सारा ठोकरा था ही सारा लक्ष्मी मिले अनुकूल शरीर तो इस तो इन्हें ये तो सुख का कारण खराब नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो पुण्य पाप का फल में हरख शोक नहीं करना, इतना समझ लिया
पूर्ण पाप फल में हरख विरखो मत भाई, एक पद में तो बहुत भर दिया भाई। भगवान तू आत्मा है ने, तो ज्ञानानंद स्वरूप तेरी चीज है ने, पूर्व का पुण्य पाप का बंधन से सुयोग मिला, क्या तेरे हरख शोक करना। उस चीज कोई हरख शोक कराती है? हरख शोक करना तेरा स्वभाव है, समझ में आया? हरख शोक करना कोई मिथ्या भाव है। अरे कोई कहते कि ज्ञानी होता है तो उसको हरख शोक होता है ना, थोड़ा दोनों होता है। वो हरख शोक पर पदार्थ के कारण से होता है ऐसा नहीं मानते, तो अनंत हरख शोक नहीं होता। नहीं, धर्मी जीव को प्रतिकूलता अनुकूलता बार आती है, पर वो ज्ञानी उससे सुख दुख नहीं मानता, उससे हरख शोक नहीं करते हैं। अपनी पर्याय में कमजोरी से थोड़ा हरख शोक हो जाए वो चारित्र का अल्प दोष है। अने पर के कारण से मेरे सुख दुख हुआ वो मिथ्या का अनंत दोष है, एम कहते हैं। हैं? हाँ, वो चारित्र दोष है, पर अपनी अस्थिरता का दोष है। संयम भान है कि मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन हूँ, उन पर आपका भाव विकार है, संयोग प्रकट है। तो संयोग प्रतिकूलता आया तो प्रतिकूलता के कारण संकित को शोक नहीं होता। एक लड़का गुजर गया 25 वर्ष का, 2 वर्ष का लगन करके, उस समय में धर्मी जीव है, उसको लड़का गुजर गया का शोक नहीं आता, पर से शोक नहीं होता। जरी शोक होता है कि अपनी कमजोरी से होता है, तो वो दोष बड़ा अल्प है। बात में फिर वो चीज से मेरे दुख हुआ, ऐसी मानता का पाप मिथ्या का अनंत गुना पाप है। समझ में आया? दो में फेर है, पाप पाप में फेर है, पकड़ पकड़ में फेर है। बिल्ली उंदर को पकड़ती है और बिल्ली अपना बच्चा को पकड़ती है। बिल्ली पकड़ पकड़ में फेर है। धर्मी जी अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा में आनंद है, पूर्व का कोई पाप का बंधन से प्रतिकूलता आई, निर्धनता हो गई, पुत्र का मर जाना, शरीर का रोग होना, क्षय रोग आदि हो जाना, उससे वो दुख नहीं मानते। संयम दृष्टि धर्मी उससे दुख नहीं मानते, पर अपनी कमजोरी में सहनशीलता के अभाव में थोड़ा शोक दुख आ जाता है, ये बड़ी अल्प दोष देगा है। मिथ्या दृष्टि ने प्रतिरोध संयोग मिला, ये कारण में दुख हूँ, ये अनंतानुबंधी का महान पाप दोष है। खबर नहीं है जी दोष का माप क्या है, तत्व की खबर नहीं कि पर तत्व मेरे दुखदायक है, ऐसे मानने वाला का मिथ्यात ने अनंतानुमंदी का पाप उसको होता है। समझ में आया? अनंत पाप होता है। और संयम दृष्टि लड़ाई में हो, पुत्र मर जाए, लड़ाई में भी चले हो, संयम दृष्टि है, पुत्र मर जाए तो उसका शोक नहीं है उसको। पर द्रव के कारण से सुख नहीं हुआ है, होता है ही नहीं। अपनी पर्याय में जरी सहनशीलता की कमजोरी के कारण जरी शोक आया, उसका अल्प बंधन है। मिथ्या दृष्टि बड़ा मेरा लड़का गुजर गया, ओ माचे में दुखी हुआ, ऐसी दुखी दशा का परिणाम अनंत संसार की वृद्धि का कारण पाप है।
समझ में आया? बात माफी पकड़ पकड़ में फेर है। अज्ञानी को पर चीज दुख का कारण मानते हैं, बड़ा पाप है। ज्ञानी पर चीज दुख का कारण मानते नहीं, मेरी सहनशीलता में कमजोरी है, मैं कि मेरे को जरी दुख शोक आ जाता है, शोक आ जाता है, पर के कारण नहीं। इस शोक का आना अंत पाप है। अज्ञानी तो पर के कारण से मेरे दुख होगा, ये मिथ्या का अनुसंसार का पाप है। हम जानो कहाष्टि धर्मी जीव को पूर्व का पुण्य के कारण चक्रवर्ती पद हो, सखन का पद हो, समझ में आया? तनवे हजार स्त्री हो, समझते हैं ये पर्ची है, मेरे सुख का कारण है ही नहीं। मेरा सुख का कारण, सुख का कारण तो मेरा आत्मा है, मेरी पास में आनंद मैं हूँ। ऐसा संयक दृष्टि चौथा गुण स्थान में और वीरती संयक दृष्टि ग्रस्ताश्र में हो तो भी छवे हजार स्त्री चक्रवर्ती को है। समझ में आया? सुख का कारण नहीं मानते, सुख का कारण मेरा आत्मा है, आनंद तो मेरी पास है, पर शरीर राग हो जाता है आसक्ति का। ये आसक्ति का दोष चारित्र दोष अल्प बंधन है। माते पास कहवा ज्ञानी अज्ञानी ना आकरा अंतर में थे है, बाहर से है नहीं। समझ में आया? ऋषभदेव भगवान जब मोक्ष पधारे कैलाश पर्वत ऊपर थे, तो भरत जी गई दर्शन करने को आखिर में, और इंद्र भी आया ऊपर से, शकरेन्द्र ऊपर से आया, मित्र है ना उसका, भगवान का भगत है दो ही। हाँ, भगवान को जब मुख बता रहे दिखा तो भरत चक्र सिंह आंख में क्या आंसू चला गया, धारा वह किया। ओहो, भरत क्षेत्र का आज सूर्य अस्त हो गया, ऐसा रोते हैं, रोते कहते ना। इंद्र कहते हैं, अरे भरत, आपको तो खबर है ना, आप तो चरम शरीरी है। इंद्र कहते हैं कि आपको खबर है, आप तो चरम शरीरी आखिरकार शरीर है। हमारे तो अभी सत्रेंद्र इंद्र है, हमारे एक मनुष्य का अवतार लेना पड़ेगा। समकीर्ति है, आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी दो ही हो, भरत चक्रवर्ती भी आत्मज्ञानी है, सत्रेंद्र भी आत्मज्ञानी समकीर्ति है। जरा रोते हैं भगवान का, देखते हैं मुख जा, अरे प्रभु, हमारा भरत क्षेत्र का सूर्य अस्त हो गया। इंद्र कहते हैं, भरत, तुम्हारा चरम शरीर है ना, तुम्हें तो अभव में केवल पानी का भोग जाने वाला हो, हमारे तो अभी एक अवतार करना पड़ेगा स्वर्ग में से। भरत कहते हैं, इंद्र, मेरे खबर है, मेरे ऊपर चीज के कारण से मेरी दूध नहीं आया। समझ में आया? इस परचित का विरह पड़ा, उसके दूध नहीं आया। मेरी कमजोरी में प्रेम है जरी भगवान प्रति, इतना कमजोरी का प्रेम का रुदन आ गया है। समझ में आया? मुझन जी फेर है, रुदन रुदन में फेर है। अरे कहीं सतुनी खबर न मिले, जीव क्या है, पुण्य पाप क्या है, बंध क्या है, फल क्या है, कि फल में सुख दुख होता है कि नहीं, खबर नहीं, तत्व की दृष्टि की खबर नहीं। ऐसा चलो हमारे धर्म हो जाएगा, कहां से धर्म हो जाएगा? संयोग के कारण से रुदन नहीं आया है। अपनी कमजोरी है ना, चारी सब दोष है थोड़ा,
प्रेम है ना इतना भगवान प्रति, ये अपना कारण से जरिए रुदन आया, उसका अल्प बंधन है अज्ञानी। समझ में आया? अरे आ भगवान का चला गया, उससे मेरे धर्म था, वो था तो मेरे धर्म था, वो था तो मेरे धर्म रहता था, ऐसी मानता थी तो उसको जो दुख होता है अज्ञान का दुख होता है उसको। ज्ञानी को तो मेरा आत्मा है तो धर्म मेरे से है, मेरे शुभ भाव में श्रवण में भगवान भी था, उसका अभाव हो गया है। तो ज्ञानी को जरी सुख होता है कि अल्प चारित्र दोष का सुख है, अज्ञानी को सुख आता है प्रतिकूल चीज देखकर सुख करते हैं, तो अनंत प्रतिकूल चीज का उसमें द्वेष आया, ऐसा द्वेष में अनंत अनंत पाप का बंधन होता है। समझ में आया? तत्वनी चीज ऐसी है, भेद ज्ञान जगो जिनके घट, शीतल शीत भयो जिन चंदन, राग ने पुण्य पाप का विकल्प से मेरी चीज जीती है, ऐसा सम्यक दर्शन ग्रस्ताश्रम में पहले जहाँ हुआ, जहाँ फर्श सुख दुख की मानता अनादि की शीत और विनाश हो गया। समझ में आया? अपना आत्मा से आनंद है, और अपनी कमजोरी में जितना राग द्वेष आता है इतना दुख है, तो ये तो राग द्वेष तो अनंतमा भाग में बहुत थोड़ा आता है। अज्ञानी को ही पता नहीं, अज्ञानी को तो पर की प्रतिकूलता दे, अरे मैं दुखी, आप पर असल उड़ता है तो सुखी उड़ रहे। नहीं निरोग का शरीर हो नहीं, तुम्हारा सबका निरोग शरीर है, लो हमारा स्वरूप शरीर है, माकि हम दुखी है, तुम्हें निरोग है दुख सुखी है, मुंड है महामिथ्यात का नया पाप नया बांधते है। भरत जी बराबर है, न्याय में बराबर है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं? अपना सिवाय पर पदार्थ कोई पण हो, उससे सुख दुख की मानता परसे करना, उसका नाम मिथ्या भाव है। बराबर है? अरे अपना आत्मा में आनंद है ऐसा न मान कर पर चीज से मेरे आनंद आएगा, पर चीज से मेरे दुख होगा, उसका नाम मिथ्या दृष्टि का अनंत संसार का महान पाप है। वो कहते हैं उदय में संयोग प्राप्त हो, वे भी क्षणिक संयोग रूप से आते जाते हैं, आते जाते हैं, मैं तेरे क्या आया। वो बराबर है मैं कोई ने करोड़ रुपया, कोई ने 10 लाख रुपया है तो करोड़ वाला सुखी है कि नहीं? कितना गुना करवाए दूरे कैसे लिखा, पर पासे कोई पासे 5,000 ने कोई पासे 5 करोड़, तो संख्या ऊपर से सुख कल्पना है, मुंड है, कौन कहते हैं संख्या ऊपर से सुख है? लोगों को तो मुंड है। पागल की अस्पताल में पागल पड़ा है सब, पागल का अस्पताल है ना, तो सब पागल है। बांधे अज्ञान से बांधते है, यूं कहते हैं, देखो ने एक शब्द में कितना दिया है, भगवान तेरे खबर नहीं, ये पुण्य पाप का फल तो संयोग की प्राप्ति है, क्षणिक चीज है, ये क्षणिक चीज तेरे सुख दुख का कारण नहीं। तो मनीष जी क्यों आप दूर बैठ गई, पीछे से आया? समझ में आया? हाँ, जितने का सब निकट है क्या
पूर्व का पुण्य पाप का फल अनुकूल प्रतिकूल जीतने का निकट रहे, आत्मा में क्या पैक जाती है कि तो दूर है। आ उतने काल भी ये सुख दुख देने में समर्थ नहीं, समझ में आया। जितना काल अनुकूल प्रतिकूल पूर्व का पुण्य पाप का संयोग से सामग्री रही, ये चीज आत्मा को सुख दुख का कारण है नहीं, समझ मा फेरे समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल। सच्चा ज्ञान हुई बिना अनंत काल परिभ्रमण करते मुनि पना ले लिया, आया नहीं मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। उसका क्या अर्थ हुआ कि अनंत बैर में जितना नवमी विवेक गई, पंचमावर्त पाला, अक्षर गुण गुण पाला, ये क्या है सुख नहीं, ये दुख था, एम कहते हैं। आया कि नहीं उसमें अर्थ में, मुनिव्रत धार अनंत बैत, मुनिव्रत धार तो व्रत धारा था कि नहीं, व्रत धारा था ने, पंचमावर्त दिया था ने, अक्षर गुण गुण पाला था ने, मुनिव्रत धार अनंत बैर गृह उपजारो, पर आत्म ज्ञान बिन ले सुख न तब सुख न पाए, कार क्या हुआ दुख पाया, क्या आया उसमें। ए मुजन जी हिसाब करना है कि नहीं, चांदी का हिसाब करते है कि नहीं, क्या दुकानों पर डॉक्टर जी क्या उसमें क्या आया, ले सुख न पाया, मुनि व्रत धार अनंत बैर, मुनि व्रत पंच महावर्त अच्छे मुगुण शुभ राग है, मुनि व्रत धार अनंत बैर गृहे को बजायो, पर आत्म ज्ञान भी ले सुख न पाए, उसका क्या अर्थ हुआ कि महावर्त का परिणाम शुभ राग है न दुख रूप है। डॉक्टर आज नाश्ता है देखो उसमें क्या लिखा है, लिखा है कितने में जाता है, पांचवा गाथा है, चौथे गाँव की पांचवी, बहुत उसने भर दिया है, थोड़ा गागर में सागर भर दिया है। देखो कोटि जन्म तप तप ज्ञान बिन कर्म झड़े, ज्ञानी के चिन्माई द्रिपुक्ति सहज तर ज्ञान का भान में सहज कर्म चल जाता है, ज्ञान आनंद में शुद्ध चैतन्य हूँ, राग आदि मेरी चीज नहीं, ऐसा भान में सहज कर्म जर जाते हैं। मुनि व्रत धार अनंत बार गृह उपजायो, मुनि व्रत में व्रत के व्रत व्रत इतने अहिंसा सच दत्त ब्रह्मचर्य अपरिग्रह पांच धाया, पर अनंतवा निज आत्म ज्ञान सुख न लिख पाए, आत्मा का और सुख न पाया, तब उसका क्या अर्थ हुआ, संसार में सुख कितने दुख, बराबर है कि नहीं भाई, संभव मिल जाएगी। हाँ तो ऐसी चीज भर दी है, थोड़ा हमें सादी हिंदी भाषा में है कि इतना मुझे नहीं समझ में आया कि नहीं, आत्मा पुण्य पाप का विकल्प से रही, ऐसा अंतर अनुभव दृष्टि किए बिना तेरा पंच मावर जय मुर्गुण भी दुख का कारण है, हम कहते हैं ले सुख आत्मा का ले सुख न पाया तब दुख पाया, सुबह सुबह दो ही दुख रूप है, सुख रूप है नहीं, दूसरी बात जो कही आया ना कि सुख दुख देने में संयोग समर्थ नहीं, पर सुख दुख का कारण तेरा अधिकारी बा, समझ में आया कि चीज नहीं। बड़ी लक्ष्मी मिली बात क्या है कि हमको सुख हुआ मुंड है, पर से सुख है तो देरी कल्पना किया था, प्रतिकूलता है तुम दुखी है भैया, निर्धन हो गया कुछ नहीं, शरीर ठीक रहते नहीं, स्त्री मर गई, लड़का क्षय हो गया, लक्ष्मी चली गई, दुकान बढ़ गई, बीमा वाला भांग गया,
उगरा रह गई, उगरा दुकाल पड़िया, उगरा नाखिया दुकाल पड़ा। और तो हम बहुत दुखी है, मूड है तो पूर्व का पाप का फल प्रतिकूल है, वो दुख का कारण है। कौन कहते तेरे भैया? देखो कि निकट रहे उतने काल भी सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, उसमें कितना ही भरा है पर समझे विचार करना है क्या है? कहते चलो बात, चलो सुनो, लाख बात की बात यही नीचे उड़ानो उसकी बात कहते। जैन धर्म में वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा, उसका धर्म में समस्त उपदेश का सार यह है कि शुभाशुभ भाव संसार है, शुभ भाव हो या शुभ भाव हो उसको क्यों कहते हैं? लाख बात की बात नीचे उड़ानो, पूरी सकल जग दंड फंद मित आत्म जाओ, कि शुभाशुभ भाव भी दंड फंद है। समझ मन भाई अच्छा झाड़ा तो ठीक नहीं, तुम्हारा पहले से चलती है कभी का तो करते नहीं तुम बात कितना है। लाख बात की बात यही नीचे उड़ानो, पूरी सकल जग दंड फंड इस बात भाव है, इस फंड है, दंड है, विकार है, दुख है, उसको थोड़ी नित आत्म से आओ। देखो है भगवान आत्मा इस शुभ शुभ भाव हो और बचने को अशुभ से बचने को शुभ भाव भी आता तो है, पर वो है बंद का कारण, इस जग फंद का कारण है, जगत संसार मिलेगा उसमें आत्मा ने मिले। और कारण रीत आत्मे बधा बैठा नहीं आ आ जुआन मानस से विक वकील से गने ये आपड़ा ही ना क्या आता ना हमारे राजमल जी ये तो क्या ना सुता मनना है तो वकील है जुआन मानस है उसको आप दसती है कि नहीं बात वो समझ में आया तुम्हें और सुनो करता आवड़े तो क्या करना है मुझे जी अच्छा दादा तो बहुत कंठस्थ है और करने आ रहे हैं क्या करना अरे जो ऐसा अर्थ करते हैं तो भर के कहता अरे आए साल हो गए पर सुन तो भैया वो कहते हैं अंदर में लाख बात की बात नीचे उड़ानों का क्या अर्थ हुआ कि शुभ शुभ परिणाम ही सब व्यवहार है भाई एम के शब्द में गुठवणी माँ के तेरे बीच में शुभ आता है दयादान पर है व्यवहार ये बंद का कारण है आता है भले शुभा होता है भक्ति दया दान पूजा पर शुभा पुण्य बंद का कारण है समझ आया लाख बात की बात निश्चय उड़ानो शुभ शुभ पूर्वे था उसका बंद पड़ा उसका मग संयोग वर्तमान सुबह शुभ वो बंद का कारण है उसकी दृष्टि छोड़कर भगवान आत्मा ज्ञानानुसूत स्वरूप उसकी रुचि लगाओ उसकी दृष्टि करो उसका ध्यान करो वही आत्मा का संबर निद्रा निमुख का कारण है दूसरा कोई है उसमें है कि नहीं उसमें है वो और भरिया है कि नहीं कि निकालते हैं सोनगट वाला सुबह सुबह संसार इसका अर्थ नीचे ही नहीं
इसने उसकी रुचि छोड़कर समझ में आया, सुबह सुबह की रुचि छोड़कर पांच कम से ना कर क्या करना, सुबह सुबह तो होता है भगवान, तेरा हित करना हो तो स्व उन्मुख होकर स्व सन्मुख सुबह सुबह हो उसकी सन्मुख में रुचि रखना मिथ्याद भाव है। सुबह सुबह देह की क्रिया जड़ की उत्तर का लक्ष्य करके अपना मानना मिथ्याद है। तो क्या करना भगवान, ये देह आदि क्रिया जड़ है उसका तो श्रद्धा छोड़ दे कि मेरी क्रिया है कि छोड़ दे, पर शुभ स्वभाव है मेरे हित कर है ऐसी श्रद्धा छोड़ दे। पूपाबाई नु राज नहीं, यहाँ के मरी जाए जो टेम कहते हैं पूपाबाई ने कहते हैं कहीं नहीं वो लीला नहीं को समझ में आया क्या करना। लाख बात की बात निश्चय उड़ान शब्द का क्या, लाख बात की बात निश्चय उड़ान उसकी व्याख्या, लाख सो करोड़ में अनंत बात चार अनियोग भगवान ने कहा, चार अनियोग द्रव्यानुयोग चरणानुयोग कथानुयोग धमखन समझे, सर्व का सार भगवान की वाणी में ऐसा आया। भगवान तो पूर्णानंद प्रभु है ने, कि किन पाप का विकार की रुचि छोड़, देह की क्रिया मेरी है श्रद्धा छोड़, चैतन्य सन्मुख हो और अपना सन्मुख में अपनी प्रतीति करना, आ उसका नाम सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ में आया, दरकार करी नहीं हिम भाई एम ने सुद्रेल में हल्या गया काम करी दी कूक नु करी दी कूक नु अनुसूलन कर दिया मोटा मोटा भाषण करवा धूड़ में कई मन हो करू नहीं। હાલો ના તો એનો ઉત્તર મળે કે ના કરો ને કે ભાઈ આમ નથી બેસતો અમને તો એનો ઉત્તર મળે મુખ્યા કોનું ઉસમે લિખા હે ક્યા આપણે શબ્દાર્થ મેં નિકાલતા હૈ લાભ કી પેનો સુને પુણ્ય પાપ ફળ માહી હરખ વિલખો મત ભાઈ યા પુદગળ પર જાય ઉપજી વિનસે ફિર ખાઈ ઉપજે વિનસે જાય ઉપજે વિનસે થાય એમાં તારે હું છે। लाख बात की बात यही नीचे उड़ लाओ तोरी सकल जग धंध फंद नित आचम जाओ। दौलत राम जी पंडित गृहस्थाश्रम में रहकर सदावा बनाया तो वो कहते भगवान हो भाव भले हो पर वो भाव की रुचि छोड़कर तेरे आत्मा अंतर आनंद की खान पड़ी है, सच्चिदानंद प्रभु है उसकी अंतर्मुख होकर रुचि करो, सावधान से स्वभाव में लग जाओ, वो तेरा मोक्ष मार्ग का दंडायन धर्म है। अरे बात सुन मुझे हमारे डॉक्टर पहला प्रश्न करो था यहाँ से रात को अंजन चोर अंजन चोर शंका न कही क्या है मोक्ष हो गया देखो हमें नाक तो फरी गया भाई वस्तु स्थिति है उसको यथार्थ समझना चाहिए। यथार्थ दृष्टि यथार्थ ज्ञान बिना चारित्र बारी तो अच्छा होता नहीं। आ गया ना पहला भाई आयु सुन क्या नहीं संग ज्ञान पवित्रता क्यों आयु गाय पर भी था नीजी तीजी तीजी की छल्ली
आखिर की देखो, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़िया बिन ज्ञान चरित्रा, ये 43 पाना है, काशी काशी चंद्र संगत दर्शन के बिना ज्ञान ने चारित्र का मिथ्या बना, 70वां श्लोक है, तीजी घाव। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, या बिन ज्ञान चरित्रा संगतता न है, ये सच्चापना संगत दर्शन बिना ज्ञान ने चारित्रपना सच्चा होता नहीं। तीजी घाव का 70वीं का था, त्रासी पाना है, त्रासी ऐसी सिंह है हिंदी में, फिर समझ में आया, दौल समझ सुन चीत सियाने काल व्रता मत खोवे, या नर भव फिर मिलन कठिन है जो संगत नहीं होवे। समझ में आया, आ नर भव किसी नहीं मिलेगा भगवान, इस संगत दर्शन की प्राप्ति कर लो, उसका प्रयत्न करो, सुभा सुभाव का प्रेम रुचि छोड़ो हो, पर स्वभाव की रुचि करो, संगत दर्शन होगा, नहीं तो तेरा सावधान मिलेगा नहीं।